तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल में हमने इंटरफेज और एनफेज, अगर हम फेजेस में डिवाइड करें तो दो फेज है मेन, एक इंटरफेज और एक एनफेज। इंटरफेज के पार्ट्स थे G1S और G2 और कभी कभी G0 जब वो उस फेज में हो। ठीक है, तो हम इसके बाद हम आते हैं सेल डिवीजन के, को एम फेज को हमने डिवाइड कर रखा है इनटू कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? कैरियोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन कहलाता है कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन कहलाता है साइटोकाइनेसिस। मतलब क्या है इस बात का कि जब एक सेल माइटोसिस फेज या मायोटिक फेज में आता है तो पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, पहले उसका क्या डिवाइड होता है? न्यूक्लियस। तो जब उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो वो उसके बाद, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो पहले एक सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है और इस फेज को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, डिविजन ऑफ न्यूक्लियस इज कैरियोकाइनेसिस, और बाद में उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो इसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। पहले क्या होता है? न्यूक्लियस डिवीजन। तो पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये बात की बात याद रहेगी सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट बता दूं? ठीक है, इसके ऊपर रख के आना, ये बोर्ड अभी तक गया नहीं, और सोफे पे मार दिया। अच्छा, अब अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की, तो हैप्लोइड डिप्लोइड ये चीज हमें बहुत बार परेशान करती है, तो एक बार हम इस चीज को समझते हैं कि हैप्लोइड का डिप्लोइड का, फिर हम एमफेज पे आएंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी चैप्टर ये कंप्लीट हो सकता है, आज कोशिश करेंगे पूरा हो जाए। ठीक है भाई, अच्छा तो सबसे पहले तुम ये समझो व्हाट इज प्लॉइडी, ये भाई से स्टॉप कर सकते हैं इसे और फिर से रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं। तो अभी देखो, अगर हम बात करें कि हमारे नॉर्मल सेल्स के अंदर कुछ जो एक ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कहां पे रहते हैं? क्रोमोसोम रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो दे आर रॉड शेप स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम कैसे स्ट्रक्चर्स हैं? रॉड शेप स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जो डीएनए है वो दो फॉर्म में रहता है, डू यू नो कौन कौन से फॉर्म है? क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन? ये क्या है, क्रोमोसोम या क्रोमैटिन? What is chromatin? Chromatin क्या होता है? Thread-like form. तो chromatin और chromosome में क्या difference है? पहले यही नहीं बता हमें, तो ploidy कैसे समझेंगे? तो देखो, chromatin होता है thread-like form of DNA. Chromatin क्या होता है? Thread-like form of DNA. तो thread-like form of DNA. DNA क्या होता है हमारा? जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। तो क्रोमोसोम्स में इट इज दी रॉड लाइक कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, इट इज रॉड लाइक फॉर्म ऑफ डीएनए। तो हमारे बॉडी में कभी कभी डीएनए रहता है इन दी थ्रेड लाइक फॉर्म जिसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन, और कभी कभी वो रहता है इन रॉड लाइक फॉर्म जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? थ्रेड लाइक फॉर्म क्रोमैटिन और रॉड लाइक फॉर्म को क्रोमोसोम। ये यूजुअली नॉर्मली किस फॉर्म में रहता है? क्रोमैटिन की फॉर्म में। नॉर्मली किस फॉर्म में रहता है? पर जब सेल डिवीजन हो रही हो, जब
सेल डिवाइड करना हो तो सेल डिवीजन के बाद इट कम्स इनटू क्रोमोसोम फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म में इट रिमेंस एज अ क्रोमैटिन, बट जब सेल डिवीजन होना है वो कंडेंस हो जाकर क्रोमोसोम बन जाता है. तो अगर हम बात करें एक ह्यूमन सेल के अंदर नॉर्मली कितने क्रोमोसोम होते हैं जब उसका सेल डिवाइड कर रहा होता है, तो ह्यूमन सेल हैज 46 क्रोमोसोम्स. कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स. हाँ, सेल डिवीजन के वक्त क्रोमोसोम है तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं भाई. 46 क्रोमोसोम रिमेन एज 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. कैसे रहते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. तो अगर मैं एक पेयर को, एक क्रोमोसोम को एन से रिप्रेजेंट करूं, एन माने सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. तो जो हमारे पास अगर सिंगल सेट है या पेयर्ड है? पेयर्ड है. तो हम सिंगल सेट नहीं, हमारे पास पेयर्ड क्रोमोसोम है. इस स्टेज को मैं 2n से रिप्रेजेंट करूंगा. इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? 2n से. पर इसी तरीके से जब एक ह्यूमन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 2n इक्वल टू 46. ठीक है, तो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं. पेयर्ड कितने हैं? 46. टोटल पेयर्ड फॉर्म में 46. और पेयर्स कितने हैं? 23. पेयर्स कितने हैं? 23 pairs, है ना? तो टोटल क्रोमोसोम का नंबर 2n is equal to 46 in the form of 2n का मतलब है कि पेयर फॉर्म. और अगर हम इनको बात करें कि क्रोमोसोम्स को सपोज पेयर्ड है, अब हाँ बोले नहीं, 46 टोटल क्रोमोसोम्स हैं, 46 टोटल है इन अ पेयर्ड फॉर्म. यहाँ पे 2n इक्वल टू 46 है, तो n इक्वल टू 23. ठीक है, समझ रहे बात? तो अब हाँ बोलो क्या करूँ? n होता है सिंगल सेट, n माने सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और 2n माने पेयर्ड क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो अब इन दोनों में से 2n और n में से अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो क्रोमोसोम्स हैं, सपोज ये क्रोमोसोम पेयर्ड फॉर्म में, कौन से फॉर्म में? सपोज ये क्रोमोसोम है और सेट है, ठीक है, दिस इज वन पेयर. ठीक है, देन वी ऑल्सो हैव सपोज अनदर पेयर. ठीक है, ये दूसरा पेयर हो गया. ठीक है, सिमिलरली वी हैव सपोज थर्ड पेयर. ऐसे टोटल पेयर कितने हैं? 23 पेयर. ये ह्यूमन सेल है, नॉर्मल सेल. और अगर सपोज ये स्पर्म की बात करें हम, तो स्पर्म के अंदर स्पर्म, ठीक है, और ओवम के अंदर, इनसे हमारे जो गैमेट्स बनेंगे, जो गैमेट्स बनेंगे उनके अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? हाफ द ओरिजिनल क्रोमोसोम. तो स्पर्म और ओवम ये हमारे गैमेट्स हैं. ठीक है, गैमेट्स. नॉर्मल सेल के अंदर 46, पर जो गैमेट्स हैं जो इनसे बनेंगे, सपोज जो गैमेट्स हैं या फिर जर्म सेल्स बोलते थे, इनके अंदर एक ही जाएगा. तो इनके अंदर क्या जाएगा? एक ये जाएगा. ठीक है, या तो एक, या तो स्पर्म बनेगा या फिर ओवम. वैसे मैंने यहां पे दोनों दिखा दिए, पर या तो स्पर्म बनेगा, मेल है तो स्पर्म बनेगा, फीमेल है तो ओवम. पर एक बात कंफर्म है कि यहां पर हमारे पास एक पेयर का एक एक जाए, तो एक पेयर का एक एक जाए, तो एक येलो वाला गया, एक ग्रीन वाला गया, एक पिंक वाला गया. ठीक है, तो आप मुझे बताओ ये पेयर्ड गए या सिंगल गए? सिंगल गए. ठीक है,
सिंगल सिंगल है, तो ये जो स्टेट है ये n इक्वल, ये n स्टेट है, ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड स्टेट है, और ये वाली स्टेट क्या थी? डिप्लॉइड। तो अगर सिंगल स्टेट हो, सिंगल क्रोमोसोम्स हो, तो स्टेट को बोलते हैं हैप्लॉइड, और जब पेयर्ड स्टेट हो तो उसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड में टू एंड से रिप्रेजेंट करते हैं, हैप्लॉइड को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन से सेल्स ह्यूमंस के हैप्लॉइड होते हैं? स्पर्म एंड ओवम, गैमेट्स। बाकी सारे सेल्स उसके क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। ये वाली बात क्लियर है? बना लिया सबने? यस और नो? तो दे विल हैव 23 क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23। दे विल नॉट बी पेयर, दे विल बी सिंगल। ऐसा क्यों होता है? व्हाई इज प्लॉइडी सो इंपॉर्टेंट? प्लॉइडी का इंपॉर्टेंस क्या है कि वो हैप्लॉइड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एक स्पर्म से आएगा, एक ओवम से आएगा, और दोनों जब फ्यूज होंगे वापस से क्या हो जाएंगे? 46। वापस से क्या हो जाएंगे? तो इसीलिए। और अब हम ये जानते हैं कि दो टाइप का सेल डिवीजन होता कैसे है। तो दो टाइप का सेल डिवीजन में डिफरेंस क्या है? अगर हम बात करें कि हमारा एक सेल है जो कि डिप्लॉइड है, और डिप्लॉइड से दो डिप्लॉइड सेल्स बन रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे माइटोसिस। क्या बोलेंगे? माइटोसिस, ठीक है। सिमिलरली अगर सपोज किसी एल्गे में हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है, तो इनको क्या बोलेंगे? मायोसिस। इनको क्या बोलेंगे? मायोसिस, ठीक है। नहीं, इसे बोलेंगे माइटोसिस। इसे क्या बोलेंगे? माइटोसिस, ठीक है। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन है। ये कैसा डिवीजन है? इक्वेशनल डिवीजन। तुमने कुछ पढ़ा नहीं है मतलब, समझ गए हो? तुमने समझ गए हो, मैंने गलती करी तो तुमने पकड़ी नहीं, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन माने डिप्लॉइड से डिप्लॉइड, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बने, तो वो माइटोसिस। वो क्या है? अगर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता तो वो कहलाता मायोसिस। क्या कहलाता? डिप्लॉइड से अगर हैप्लॉइड बनते तो वो कहलाता मायोसिस, मायोसिस वन। और फिर मायोसिस वन में एक्चुअली मायोसिस टू भी होता है, तो इसके अंदर ये एक बार डिवाइड होने के बाद रुकते नहीं, फिर ये दोबारा डिवाइड होते हैं और ये बनाते हैं चार टोटल सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ मायोसिस टू, ठीक है। मायोसिस टू, ये दोनों मिलाकर हमारे बना रहे हैं मायोसिस, दैट इज रिडक्शन डिवीजन। कैसा डिवीजन है ये? रिडक्शन। क्यों? क्योंकि क्या ये क्रोमोसोम नंबर को आधा कर रहा है? कर तो रहा है। क्या पढ़ रहा है? टू एन है ना, टू एन से फाइनली क्या बने? हैप्लॉइड। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, तो मायोसिस इज अ रिडक्शन। हाँ, तो मायोसिस टू, मायोसिस वन इज काइंड ऑफ रिडक्शन, बट मायोसिस टू इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। मायोसिस टू इज जस्ट लाइक माइटोसिस, पर ओवरऑल मायोसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि स्टार्टिंग में डिप्लॉइड था, फाइनल क्या है? हैप्लॉइड। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस और नो? सर एक बार रिपीट कर दो।